नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 19 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। नवादा की बेटी ने मारी स्टार प्लस की सीरियल में एंट्री। बिहार के नवादा की बेटी संजना ने प्रसिद्ध टीवी चैनल स्टार प्लस के नए धारावाहिक में एंट्री लेने जा रही है। आपको बता दें, संजना 2013 की मिस बिहार रह चुकी हैं। अपने पहले शो के बारे में संजना ने बताया कि ये उनका पहला धारावाहिक है। इससे पहले वो कई पंजाबी हिट एल्बम में काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो जल्द ही तेलुगु मूवी में भी नजर आने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि फिल्म की शूटिंग समाप्त हो गई है और फिल्म जल्द ही पर्दे पर नजर आ जाएगी। सिमुलतला प्रवेश परीक्षा में पूछे गए सवाल के ऑप्शंस देख हैरान रह गए छात्र। बिहार बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न पत्र के अनुसार सिमुलतला प्रवेश परीक्षा में पूछे गए सवाल से लगता है कि फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल मानता ही नहीं है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विवादों में आए दिन बना रहता है। एक बार फिर सिमुलतला एडमिशन के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में दिया गया एक सवाल बोर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। बोर्ड द्वारा तैयार प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 79 में बिहार के वर्तमान राज्यपाल का नाम ऑप्शंस में मौजूद ही नहीं था, जिस कारण अधिकांश विद्यार्थियों ने गलत टिक लगा दिए तो वहीं कुछ विद्यार्थी उसे खाली छोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह गठबंधन किसी के बातों में नहीं आने वाली। बिहार में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज में एनडीए प्रत्याशी स्वीटी सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पोठिया प्रखंड के दामलबाड़ी कचहरी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की ओर से समाज के हर तबके के लिए काम किया जा रहा है। एनडीए में एकजुटता बरकरार है, इसीलिए किसी के चक्कर में नहीं आना है। यह गठबंधन बिहार की जनता के लिए हमेशा अग्रसर होकर और उनके हित के लिए खड़ी होती है। जल जमाव के बाद अब सफाई अभियान में उतरे पप्पू यादव। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। पहले बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए, तो अब पटना की सड़कों से कचरे की सफाई के लिए। पटना की सफाई के लिए पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा है कि पटना को साफ सुथरा बनाने के लिए मंदिरी आवास से पैदल मार्च कर साफ करेंगे। जो कोई भी 2 ट्रैक्टर गंदगी निकालेगा उसे 500 रुपए हमारी पार्टी की ओर से दिया जाएगा। मैं पटना और बिहार की सफाई करने निकला हूँ। बिहार पुलिस कांस्टेबल पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। बिहार पुलिस कांस्टेबल पद के लिए बिहार पुलिस सीएसबीसी ने 11,880 पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। आवेदन करने के शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपए, वहीं एससी एसटी पीएच के लिए 112 रुपए। वहीं शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार 4 नवम्बर तक csbc.bih.nic.in पर जाकर पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। ताइवानी रेड लेडी प्रजाति के पपीते के खेती देखने आए बिहारी। ताइवान की रेड लेडी की लोकप्रियता देखनी हो तो बिहार के बक्सर स्थित डुमराव अनुमंडल के नया भोजपुर जरूर आए। यह रेड लेडी पपीते की एक ताइवानी प्रजाति है, जिसकी खेती स्थानीय किसान करते हैं। रेड लेडी प्रजाति के पपीते कब टूटते हैं और कब बिक जाते हैं पता भी नहीं चलता। इन पौधों को लेने उत्तर प्रदेश और झारखंड के किसान आते हैं। आपको बता दें, ताइवानी रेड लेडी प्रजाति के पपीते की खेती 4 साल पहले शुरू की गई थी। पटना जयनगर इंटरसिटी का परिचालन 21 से 23 अक्टूबर तक रहेगी स्थगित। समस्तीपुर मंडल के जयनगर बिजलपुरा रेलखंड पर 17 से 21 अक्टूबर तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग एवं 22 तथा 23 अक्टूबर को एनआई कार्य होने के कारण 2 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, 21 से 23 अक्टूबर तक पटना जयनगर इंटरसिटी और 18 से 23 अक्टूबर तक दरभंगा जयनगर पैसेंजर ट्रेन के परिचालन को स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने जदयू भाजपा महागठबंधन पर कसा तंज। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने सदाकत आश्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान जदयू भाजपा महागठबंधन पर तंज कसते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा एनडीए के नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गोहिल ने कहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बातें भरोसा करने लायक नहीं है। काम निकल जाने के बाद भाजपा नीतीश कुमार को दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देगी। छठ के शुभ उपलक्ष्य पर होगा भगवान भास्कर महोत्सव का आयोजन। बिहार में श्रद्धापूर्वक मनाए जाने वाले छठ पर्व पर पहली बार किसी राज्यव्यापी सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के कला संस्कृति ने सभी 38 जिलों में एक एक चिन्हित छठ घाट पर यह आयोजन करने का निर्णय लिया है। भगवान भास्कर नामक इस महोत्सव के लिए पर्याप्त राशि भी सभी जिले को दे दी गई है। बिहार के बजट में हो सकता है 10% का इजाफा। बिहार के वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक बजट में 10% का इजाफा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वर्तमान में बिहार का वार्षिक बजट 2,05,000 करोड़ रुपए का है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 2,30,000 रुपए होने की संभावना है। वित्त विभाग बजट को लेकर अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।
पैक्स चुनाव में 6 लाख मतदाता करेंगे वोट। इसी साल होने वाले पैक्स चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 2014 में हुए पैक्स चुनाव की तुलना में इस साल होने वाले चुनाव में मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 लाख बढ़ गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना के निर्देश पर कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ज्ञात हो साल 2014 के पैक्स चुनाव में महज 3.5 लाख मतदाता थे, मगर 2 साल पहले से नए पैक्स सदस्य बनाने का अभियान चलाया गया था। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सहरसा में आयोजित एक सभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बयानबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव से डरते हैं। देश में युवाओं के पास डिग्री होने के बावजूद नौकरी नहीं होने के कारण युवाओं को भटकना पड़ रहा है। इसीलिए आप सभी मिलकर आरजेडी को मजबूत बनाएं, हम युवाओं को रोजगार देंगे। रेरा ने बिहार के कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लगाया रोक। बिहार में रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के फैसले से फ्लैट धारकों को बेवकूफ बनाना अब बिल्डरों के लिए आसान नहीं होगा। ग्राहकों की ओर से आई 150 शिकायतों के बाद रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिहार की जानी मानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। आपको बता दें, रेरा के इस फैसले के अनुसार जब तक पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो जाते या कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करेगी। लायंस क्लब पटना अचीवर्स ने महिलाओं की जागरूकता के लिए चलाया अभियान। लायंस क्लब पटना अचीवर्स ने महिलाओं के उत्थान के लिए अभियान चलाया है। इसके लिए आरके भट्टाचार्य रोड स्थित जीतन रेजिडेंसी में महिलाओं की स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं को लेकर जागरूक किया, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी। वहीं महिलाओं के हेल्थ एंड हाइजीन के मद्देनजर जरूरी जानकारियों से अवगत करवाया। साथ ही महिलाओं को मैगी द्वारा आयोजित किचन जर्नी में विभिन्न प्रकार के भोजन बनाने के लिए भी बताया गया। टीईटी के लिए आवेदन भर सकते हैं 1 नवंबर से। टीईटी की परीक्षा के लिए आवेदन 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच भरे जा सकते हैं। आपको बता दें, टीईटी के आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। यह परीक्षा 22 दिसंबर को होगी, वहीं इसका परिणाम 21 जनवरी 2020 को घोषित किया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए 600 रुपये होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये होंगे, वहीं विकलांग श्रेणी के लिए 100 रुपये होगा। प्रायोगिकी की परीक्षा के लिए यूनिफॉर्म हुआ अनिवार्य। सीबीएसई की 12वीं की प्रैक्टिकल की परीक्षा के लिए छात्रों को अब यूनिफॉर्म में जाना हुआ अनिवार्य। बोर्ड के इस फैसले से फ्लाइंग छात्रों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। फैसले के बाद छात्र के अभिभावक अब सभी स्कूल के साथ साथ वहां के यूनिफॉर्म जुटाने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल फ्लाइंग छात्रों को बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड मिलने के दौरान ही उन्हें स्कूल से जुड़ी जानकारी मिलती है। ऐसे में अभिभावक पहले ही स्कूल के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ऐन मौके पर उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अमित शाह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए का चेहरा के ऐलान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमित शाह ने कहा है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह नहीं कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अपने तंज को जारी रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा और जदयू राजद से डर गए हैं, इसीलिए अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है जदयू की नजर। बिहार की सियासत चला रही जदयू की नजर अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। झारखंड के साथ साथ पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मैदान में उतरने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। सरकार की नजर अब दिल्ली में भी सत्ता बनाने की है। नीतीश कुमार की जनसभा के बाद पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत हो जाएगी। बिहारी स्वाभिमान पर बनी है क्रिकेट, बिहार के अपमान से सम्मान तक। क्रिकेट बिहार के अपमान से सम्मान तक, बिहार के स्वाभिमान को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। फिल्म के जरिए खेलों के विषय में जागरूकता फैलाने की छोटी सी कोशिश है। फिल्म को देखकर बिहार में क्रिकेट की जो स्थिति है उससे लोग प्रभावित होंगे। खिलाड़ी और नेता होते हुए भी कीर्ति आजाद ने फिल्म के अंदर कमाल का अभिनय किया है। उनके अभिनय की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तेजस्वी यादव की सदस्यता अभियान ने राजद को बनाया करोड़पति। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का इतना असर रहा कि गरीबों की पार्टी कही जाने वाली आरजेडी आज करोड़पति बन गई है। पिछले सालों से खाली बैलेंस पर राजनीति कर रही आरजेडी का पार्टी फंड भर गया है। खबरों की माने तो वर्ष 1997 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी के सदस्यों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में नीचे लुढ़का बिहार। नीति आयोग की पहली सूचकांक जारी कर दी गई है। इसमें कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों में, दिल्ली ने केंद्र शासित प्रदेशों में और सिक्किम ने पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश 19.06 के स्कोर के साथ प्रमुख राज्यों में 7वें स्थान पर रहा। वहीं बिहार और झारखंड 7.99 और 6.20 अंक हासिल करके सबसे पीछे 16वें और 17वें स्थान पर रहा।
नीतीश कुमार की बेलहर चुनावी सभा में दिखाए गए काले झंडे। बांका में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत काले झंडे को दिखाकर किया गया। सीएम नीतीश को चुनावी सभा में मौजूद कुछ छात्राओं और महिलाओं ने काला झंडा दिखाया और नारेबाजी भी की। आपको बता दें, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की इन छात्राओं ने स्कूल की मान्यता रद्द होने के कारण मुख्यमंत्री को काला पट्टी दिखाकर प्रदर्शन किया, मगर पुलिस ने सभी छात्रा को समझा बुझाकर कुछ ही देर में वहां से हटवा दिया। नीलकंठ मिश्र बने प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार। बिहार के मिथिला क्षेत्र के नीलकंठ मिश्र को पीएम नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य नियुक्त किया गया है। इस संबंध में पीएमओ ने 16 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें, नीलकंठ मिश्र को समकालीन आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। दरभंगा जाने वाले इन जगहों पर जाना ना भूले। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाली दरभंगा एक अद्भुत पर्यटन स्थल है। यह जिला लोक कला शैली की समृद्ध परंपरा और मिथिला पेंटिंग के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थानों के बारे में। पहला है अहिल्या स्थान, कुशेश्वर स्थान, शिव मंदिर, दरभंगा किला, होली रोजरी, चर्च और दरभंगा टावर और बुर्ज। पटना से दरभंगा जाने के लिए यात्रियों के लिए ट्रेन और बस की सुविधा उपलब्ध है। रेल से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 8 घंटे लगते हैं, वहीं बस से महज लगभग 4 घंटे में यात्री दरभंगा पहुंच जाएंगे। आइए जानते हैं मौसम का हाल। दक्षिण बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, भोजपुर जिलों में हल्की बारिश या तूफान के होने की संभावनाएं हैं, एवं अन्य जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि उत्तर बिहार के जिलों में लगभग मौसम साफ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।